चलिए तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया उसको एक बार थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं। हमने रियल लाइन से स्टार्ट किया था सब कुछ, बेसिक इनइक्वालिटी, इसके बाद हमने लिनियर इनइक्वालिटी पढ़ा, लिनियर के बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बाद हमने रेशनल इनइक्वालिटी पढ़ा, रेशनल इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद हमने इन जनरल इनइक्वालिटी पढ़ा, इन जनरल पॉलिनोमियल का इनइक्वालिटी रेशनल टाइप से या सिंपल टाइप से। फिर उसके बाद में आ गया मॉडल ऑफ फंक्शन पर, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे इन जनरल फंक्शंस की इनइक्वालिटी पढ़ना है, हमें धीरे धीरे इन जनरल फंक्शंस की इनइक्वालिटी को समझना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि उसकी आगे बहुत जरूरत है। ठीक है, तो हमने यानी मैंने मॉडुलस इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया था मॉडुलस को डिफाइन करते हुए। तो मॉडुलस फंक्शन हमारा किया था कि इस साइन के अंदर हम कोई भी नंबर रखें, हमेशा आउटपुट इसमें डालेंगे तो ये इनपुट कहलाएगा, और इससे जो बाहर बन के निकलेगा उसको आउटपुट कहेंगे। तो हमेशा आउटपुट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यह जीरो के लिए जीरो तभी देगा जब, माने यह जीरो तभी देगा जब इसके अंदर जीरो हो, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव देगा। कोई भी इसमें नंबर रखिए, यह ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसको मैंने डिफाइन किया था, छोटा मोटा हमने ग्राफ भी लाइन का प्लॉट किया था। फिर मैं आ गया था इक्वेशन के तरफ, मॉडुलस इक्वेशन। इस पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, मैं होमवर्क भी दिया था। एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, किसी को कोई डाउट है? भास्कर आवाज जा रही है मेरी? यस सर आवाज आ रही है। तो आपका कंप्लीट हो गया? ओके चलो, तो आप लोगों को समझ में आया था ना अच्छे से? हाँ, आप लोगों ने पहले पढ़ा था, पढ़ा ही होगा ना। अच्छा, तो आते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी के तरफ। यानी हर जगह इनइक्वालिटी ही आएगा, मैक्सिमम केस में इनइक्वालिटी ही आएगा। तो हमें इनइक्वालिटी को अच्छे से समझ करके सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने आ जाएगा इस टाइप से, जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, या मॉड एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मैं इन जनरल भी लिखा दूंगा। थर्ड, मॉड एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन वन, या फिर फोर्थ, मॉड एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू वन, इस टाइप से। यहाँ पे थ्री कर दो, अलग अलग थोड़ा रहेगा तो सही रहेगा, यहाँ पे फोर कर देता हूं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यदि मैं इन जनरल बात करूं तो इन जनरल आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए, यहाँ पर मॉड एक्स लेस देन ए, और यहाँ पर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, जहां पर ए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ए ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। यदि सर निगेटिव हो गया तो डिपेंड करेगा कि चीजें कैसी है, ठीक है ना। तो इस पर मैं बात करूंगा, यदि ए निगेटिव होगा तो क्या दिक्कतें आ सकती है, या आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। दोनों चीजें हैं, निगेटिव आने के दोनों चीजें, बेनिफिट्स भी मिल सकता है और कुछ सोल्यूशन भी नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस पर मैं बात करूंगा, पहले इस पर मैं आता हूं। जैसे कि आपके सामने अभी ये क्वेश्चन आ गया, अब आपको इस चीज को सॉल्व करना है, तो आप एक तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कैसे, जैसे आपको मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने सिखाया हूं, आपको मैं इनइक्वालिटी में क्या बतलाया था लिनियर में, याद है किसी को, कोई बतलाओ। या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में मैं क्या बतलाया था, या रेशनल इनइक्वालिटी में मैं क्या बतलाया था, जो आप काम बार बार कर रहे थे। हाँ, एक साइड जीरो करना चाहिए, तो हमें इसमें भी एक साइड जीरो कर देना है, ठीक है। तो आइए एक साइड जीरो करते हैं।
एक्साइज जीरो हो गया, जीरो करने के बाद हम क्या करते थे, इसको इक्वल टू जीरो कर, ये इन जनरल है किसी भी फंक्शन के लिए, ना कि केवल रेशनल के लिए, ना कि केवल पॉलिनोमियल के लिए, ना कि केवल क्वाड्रेटिक के लिए, इन जनरल है किसी भी फंक्शन के लिए। ऐसा आ जाए तो आपको ऐसे ही करना। लेकिन वहां पर एक रूल था, क्या था, पॉलिनोमियल के केस में अल्टरनेट चलता था, एक जगह प्लस चेक कर लेते थे तो हम अल्टरनेट अप्लाई कर देते थे, ऑड पावर के केस में प्लस माइनस जितने स्लॉट में रियल लाइन डिवाइड होता था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इन जनरल केस में जरूरी नहीं कि यह रूल फॉलो ही हो, तो सेफ्टी के लिए हम हर एक स्लॉट में क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ज्यादा बहुत बारह का इनइक्वालिटी नहीं रहेगा कि आपको चेक करते करते सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल ही रहेगा। एक आध दो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिस माने एक आध दो क्रिटिकल पॉइंट कर लो, जहां पे इसको हम जीरो करते हैं ना उसका एक नाम दे देते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको हम क्या कर रहे थे पॉलिनोमियल के केस में इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो के लेफ्ट और राइट में ही क्या होता है, साइन चेंज होता है, इसलिए हम हमेशा जीरो को ही रिफरेंस बनाते हैं। तो यहां से आगे का क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आपने सॉल्व कर ही लिया है, कोई बदलाव जी, एक्स क्या होगा, हाँ प्लस माइनस वन। अब इसको हम क्या करते थे, याद है ना, रियल लाइन को प्लॉट करते थे, यानी जो पुरानी कहानी है वही आगे चल रही है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन और वन। हर एक स्लॉट में आइए चेक कर लेते हैं, किसी भी एक रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर यहाँ उठा करके पुट कीजिए इस एक्सप्रेशन में, जो इसका साइन आएगा हर एक एक्स के लिए वही सेम साइन है। तो टू टू यहां उठा करके पुट कीजिए, देखिए पॉजिटिव, जीरो इसके बीच में है ना, तो जीरो उठाइए, देखिए उस एक्सप्रेशन का साइन निगेटिव आ रहा है एक्स के जगह पर। माइनस टू पुट कीजिए, तो माइनस टू का मॉडल प्लस टू माइनस वन पॉजिटिव आ गया। और आपको क्या चाहिए, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए यह एक्सप्रेशन क्या हो, हमेशा पॉजिटिव हो, तो ये। अब आंसर लिखते समय अपने आपसे क्वेश्चंस करना है कि क्या यहाँ पे इक्वालिटी लगेगा, था हाँ जीरो पॉसिबल है, इक्वालिटी लगेगा, सॉरी यहाँ पर क्लोज लगेगा, समझ में आया आप लोगों को। चल सिमिलरली आप इसके लिए बतलाइए खुद ही, इसके लिए मैं क्या लिखूं, इसके निकालने के और भी कई तरीके हैं, ठीक है ना, और भी तरीके हैं, लेकिन हम धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, एक बार में सारी चीजें हजम नहीं होगी। पहले आसान वाला रास्ता अपनाते हैं जो हम पहले से सीखते आ रहे हैं, कि इनइक्वालिटी के केस में हम एक साइड जीरो बनाएंगे, फिर इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर जो जिस एक्स के लिए वह फंक्शन जीरो होगा, यानी वह जो इक्वेशन सॉल्व होगा या जीरो होगा, उसको रियल लाइन पे अरेंज कर देंगे, फिर हर एक स्लॉट में हम साइन को चेक कर लेंगे एक एक वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट कर करके हर एक एक स्लॉट से, फिर जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आंसर हम लिख देंगे। अभी तक यही स्टोरी चलते आ रही है और आगे भी यही चलेगी। तो ये वाला बतलाओ कोई, क्या इसका आंसर होगा, इन सब की बहुत जरूरत है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा, समझ तो जाइएगा लेकिन फाइनली आंसर तक मींस आप आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। इतना टाइम लगेगा जी, हाँ
तो वही पुरानी कहानी को रिपीट करना है, हो गया। फिर मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इक्वल टू प्लस माइनस टू। आज कितना तारीख हो गया जी, 14 मई हो गया, नहीं आज 14 मई हो गया, मीन्स आधा साल निकल गया, नहीं 2024 माने 25 में ज्यादा समय नहीं बचा है और 6 महीना ही बचा है, समय बड़ी बुलेट की तरह निकल रहा है। चलो कोई नहीं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस टू और यहां पर टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, आप चेक कर सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, यहाँ पर ओपन होगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, ठीक है ना, माइनस टू रखने से जीरो हो जाएगा ना, यूनियन टू से इन्फिनिटी। इसके लिए कोई बतलाइए, कोई एक बतला दो इसका क्या होगा आंसर, ओके। बाकी लोगों का यही आया है जी, तो वही पुरानी कहानी को रिपीट करना है, इसको आप एक साइड लाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर इक्वल टू जीरो करेंगे और जीरो का नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, फिर यहां हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस, आप चेक कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए निगेटिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से थ्री पर ओपन, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, और इस केस में अब मैं डायरेक्ट लिख दो माइनस फोर से फोर आएगा, आप चेक कर लो ये आएगा, ठीक है ना, तो अब हम इस चीज को याद रखेंगे, आज के बाद इस चीज को हम याद रखेंगे ताकि हमारा समय बचे, क्योंकि हर किसी के साथ यही हो रहा है, देखिए ध्यान से कैसे आगे प्रोसीड हो रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ था ना वैसे ही इसमें भी हो रहा, जब लेस देन होता था तो बीच में आ जाता था, जब ग्रेटर देन होता था तो इस पार और उस पार की लड़ाई हो जाती थी, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जैसे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते, नहीं निगेटिव वाला थोड़ा आर्गुमेंट कर लेते, क्या होगा जैसे यदि मैं कहूं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो बताइए एक्स की क्या वैल्यूज होगा, यानी किस किस एक्स के लिए कंडीशन होल्ड करेगा, ट्रू होगा, किसी का कुछ आया, जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पढ़ाया था, याद आया कुछ, ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा ना, आप लोग सिंपल क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स क्यों बना देते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता, आप x कुछ भी पुट कीजिएगा तो किसी भी जन्म में लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा, कोई मुझे बतलाइए तो, होगा जी किसी भी जन्म में ये इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो, तो ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहां हो जाएगा ना, हर x के लिए ये ट्रू है क्योंकि ये कभी इक्वल टू जीरो होगा ही नहीं, समझ में आया बाकी लोगों को, चल
अब मैं यहां पर दे दूं यदि मॉड एक्स लेस देन माइनस वन दे दूं तो कभी मॉडुलस की वैल्यू कभी मैंने मॉडुलस की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है किसी भी जन्म में? नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया था। इसीलिए यहां पर जब मैं दूंगा ना यहां पर मॉड एक्स यानी ए ग्रेटर देन जीरो में कर देता हूं, मैं ए ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहां हो जाएगा मॉड एक्स यदि आपका लेस देन ए रहे, मॉड एक्स लेस देन ए रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू भी जीरो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इस केस में x की वैल्यू हमेशा क्या आएगा? बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। आपने सॉल्व करके देख लिया था ना यहां पर, इसी सेम प्रोसेस से सॉल्व कर लेना, यही आएगा। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चंस करके मैं क्वेश्चंस करके आपको दिखला ही दिया, जब मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a आ जाए तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू इसके बीच में होगा। जब मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो जाए तो अब हम इसको लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए तो क्या आ रहा था, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, इसी चीज को मैं इंटरवल में लिख रहा था, तो घबराना नहीं है आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, बात क्या है, सेम है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इस केस में भी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a, सॉरी माइनस इंफिनिटी से माइनस a ना, यूनियन a से इंफिनिटी। कोविड के चलते बहुत बच्चों का बहुत नुकसान हुआ, किसी के कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, किसी की स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई, तो जो तार है ना वो टूट गया है। ठीक है, वो टूट गया है, उसको जोड़ने के लिए मैं ये सारी चीजें आपको करा रहा हूं कि आपका तार अच्छे से कनेक्ट हो जाए। ये यदि सिलेबस समाप्त करना होता तो मैं स्टार्ट कर देता मेजर ही पार्ट, लेकिन मुझे सिखाना है आपको। ठीक है ना, इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूं कि आप चीजों को सीख जाओगे ना एक बार तो मेरी जरूरत आपको होगी ही नहीं, बिना मेरे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कहीं से भी किसी भी बुक से डिफिनेशन पढ़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएगा और वो स्किल्स इन्हीं छोटी छोटी बातों से डेवलप होता है। बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसी के बेस पर क्वेश्चन आएगा, तब क्वेश्चन को सॉल्व करें। लिख लीजिए पहले, बेसिक्स में आप लोगों को नया सीखने के लिए मिल रहा है क्या? मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास हो रहा है। चलो ठीक, अब हमारे पास इन जनरल कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे अब मैं आपको इन जनरल बतलाता हूं, बीच में ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, उसी तरीके से ब्रेक कर देना है, उसी तरीके से जैसे आप पहले करता है। ज्यादा दिक्कत है तो आप इसको जेड मान लीजिए, पूरे को जेड मान लीजिए, तो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा, जैसे आपने पहले सीख रखा था, तो ये चीजें उससे कनेक्ट हो गई,
तो जब कनेक्ट हो गई तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस ए एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। ये मैं डायरेक्ट लिखा था, आप लोगों को समझ में आया कि स्टेप बाय स्टेप लिख दो लेट कर गए। चलो ठीक, तो ऐसे होगा यदि यहां पर मॉड एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन ए हो जाए। अब ये इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए, मैं आगे और प्रोसीड कर देता हूं। अब यह इनइक्वालिटी आप लोगों को याद है, मैं डबल इनइक्वालिटी पढ़ाया था, याद है जी लिनियर में। हाँ, तो कैसे हम ब्रेक करते थे, इंप्लाई माइनस ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड ये दोनों एक्स आर ट्रू हो रहा था ना, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ये दोनों चीजें एक साथ ट्रू होगी तो ना इसके बीच में आएगा एफ एक्स, इसके बीच में होना चाहिए, माइनस ए से ए के बीच में होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स कि माइनस ए से एफ एक्स ग्रेटर, तो यदि मैं ग्रेटर दे करके छोड़ दू इसको तो बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन ए के ऊपर आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर पाबंदी लगा दी एंड दे करके। और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इसको सॉल्व करके मान लीजिए कि सेट ए आया, और इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, एक साइड जीरो बना करके, ध्यान दिया गया है ना, एक साइड जीरो, और लिनियर के केस में डायरेक्टली कर लो, वहां भी कर सकते हो एक साइड जीरो बना करके, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो यहां से सबोर्डिनेट एक्स बिलोंग्स टू ए आया, फाइनली एन पर मैंने एज्यूम कर लिया, एंड यहां से एक्स बिलोंग्स टू बी आ गया, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। तो अब क्या होगा कि इन दोनों सेट का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, क्योंकि इसके लिए जो एक्स आया है ए से लेस के लिए आया, और लेस का मतलब कहीं भी लेस जा सकता है, माइनस इंफिनिटी तक भी जा सकता है, इसको हम रोक टोक नहीं सकते, लेकिन हमें माइनस ए तक ही ब्रेक लगा देना है, गाड़ी को ब्रेक लगा करके रोक देना। तो उसका सबसे सरल उपाय क्या है कि एक बार ग्रेटर के लिए सॉल्व कर लो, लेस के लिए दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब कि अब एक्स की वैल्यू इसके बीच से आएगा ना, तो एफ एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में ही रहेगा, इससे एक्चुअली कैमरा थोड़ा दिखलाने की जरूरत है, थोड़ा बहुत शॉर्ट कैमरा डिस्टर्ब हो गया है मेरा, मुझे लगा कि बीमारी दूर हो गई है। भास्कर जी बोल रहे थे, एक और भास्कर जी है, ठीक है ना आपके अलावा। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल, अब इन जनरल मैं लिखाऊंगा नहीं सबके लिए, ठीक है ना, सबके लिए। चलो एक और लिखा देता हूं ग्रेटर देन के लिए, एफ ऑफ एक्स का मॉड ग्रेटर देन ए हो, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल, देखो यहां का जो ओ आर आया है ना, इसको ब्रेक करने से आया है, और ये ऑलरेडी ही अलग अलग है। तो अब यहां से जो सॉल्यूशन आएगा, मान लीजिए कि इसको सॉल्व किया तो सेट ए आ गया, और यहां से आपने सॉल्व किया तो सेट बी आ गया, तो और का मतलब क्या होता है जी, यूनियन। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ये दोनों में फर्क है, यहां हम खुद से ला रहे हैं, यहां ऑटोमेटिक आ रहा है, इसलिए यहां पर यूनियन होगा, यहां पर इंटरसेक्शन होगा। ये बात क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल मॉड एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू थ्री, बताइए एक्स की क्या वैल्यू होगी। आपको एक में स्पेशल केस भी बतलाया था, आप लोगों को याद होगा, इसको मैं कर देता हूं, इसके बीच में होगा, एक्स के जगह पर क्या है, एक्स प्लस टू है ना। अब एक्स केवल बीच में ही है, मैं आप लोगों को बतलाया था कि जब एक्स केवल बीच में ही हो तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर दीजिए, बिना इसका यूज किए डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें एक्स चाहिए तो मैं माइनस टू को दोनों तीनों में ऐड कर देता हूं, तो यहां फाइव हो जाएगा।
क्लियर है, तो यहां से हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस फाइव से वन। ग्रेटर देन वन चाहिए तो वही पुरानी कहानी, जेड मान लीजिए एक्स माइनस फोर, यानी एफ एक्स का यानी इसके तरह हो गया ना, एक्स माइनस फोर लेस देन माइनस वन और एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन वन। ठीक है, यहां से हो जाएगा एक्स लेस देन लीनियर है तो एक्स आई जीरो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, और यहां से एक्स ग्रेटर देन फाइव, तो यहां से ओ आर है बीच में तो यूनियन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से थ्री यूनियन फाइव से इंफिनिटी। इक्वालिटी नहीं है तो स्ट्रिक्टली हो जाएगा। लिख लीजिए, तो आपका एक जून के पहले ना बेसिक्स अच्छे खासा कंप्लीट हो, अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा और आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाइए। फिर एक जून से इसको ये मैं ब्रेक किया था ना, ये आपने तो क्वेश्चन भी तो सॉल्व किया ना, यहाँ पर शुरुआत तो यहीं से हुई है ना। क्लियर है, चलिए इसी को सॉल्व कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू रूल इसकी वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, जैसा कि मैंने किया, ये एफ एक्स के जगह पर है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए ब्रेक करेंगे, बीच में एंड आएगा क्योंकि हम इसको खुद से ब्रेक कर रहे हैं, यानी इस तरीके से ब्रेक करेगी एंड आ ही जाएगा क्योंकि ये माइनस फाइव से ग्रेटर, ये हमेशा ग्रेटर होते चला जाएगा, जिसको रोकना है ना जी एंड, ये तो ऑटोमेटिक एंड आ रहा है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब इस केस में एक साइड जीरो बनाएंगे, तो इसको इधर लाओ, ये तो फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू है ना, तो यहां से x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। और ये किसके लिए ट्रू होगा, ये भी याद होगा क्वाड्रेटिक वाला केस है, लेस देन है तो माइनस थ्री से थ्री के बीच में होगा, इसका फैक्टर कर लीजिएगा। क्लियर है, अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर ही है। सेट ए क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है सेट ए, यही है ना सेट ए, सेट ए। और सेट बी किसके बीच में कह रहा है, माइनस थ्री से थ्री के बीच में कह रहा है, ये हो गया। तो यहां से हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से, समझ में आ गया, लिख
आप बतलाइए एक्स की क्या वैल्यू होगी। आज आपको ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो मौसम भी अजीब हो रहा है ना दिल्ली में। एक्चुअली सारा प्रॉब्लम एसी के चलते है, केवल पढ़ाते समय एसी चलाता हूं और रात तो सही से निकल जाता है, ठंडा मौसम रहता है रात का, माने उतना गर्मी नहीं रहती। दिन भर एसी चलाता नहीं, सामने वाले को दिक्कत होती है। वैसे चला मुझे एसी में रहना पसंद भी नहीं है, दिक्कत ये भी है वो, ये गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट होता है। यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास होता है, वो तो चला रखा हूँ इसलिए शांत बैठा है, नहीं तो हल्का मचा देता अब तक ये। तो वही पुरानी कहानी रिपीट करो, क्लियर है? एक्स आई जीरो बनाएंगे, ये हो गया। मुझे बतलाइए यहां से कुछ सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कभी? तो नो सॉल्यूशन, तो एक्स इज एम्प्टी या नो सॉल्यूशन यहां कर देंगे, नो सॉल्यूशन। और इंटरसेक्शन, ये और का मतलब यूनियन होता है, ये क्या होगा एक्स माइनस टू से लेस और एक्स टू से ग्रेटर। तो अब यहां तो कुछ है नहीं, तो यूनियन में तो यही केवल रह जाएगा ना जी, यहां तो एम्प्टी सेट है ना, यहां एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यूनियन में केवल यही रह जाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी, क्लियर है? लिख लीजिए। सॉल्व कीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग प्रोसीड कीजिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा रूट निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है तो उसका यूज कर लेना, क्या दिक्कत है? आप लोग शायद किए होंगे, इसको इसी के बीच में लिखना है, ये तो सब कोई लिखा होगा, ये तो सब में कॉमन ही है, फिर ये भी कॉमन है।
ये भी कॉमन है। फिर अब इसको x साइज जीरो, ये सब हमें सॉल्व करने आता है, मैं सिखा रखा हूं पहले से। ये तो इसका तो जीरो हमें पता है, यहां बीच में आए। अब इसका हमें जीरो निकालना होगा, क्योंकि ये फैक्टर नहीं होगा। आप लोगों ने इतना बार ये किया है ना क्वाड्रेटिक कि ये दिमाग में फिट हो गया। नहीं सर हम कोरोना काल वाले हैं, कोई बात नहीं निकाल लो। देखना गलत होगा तो बदलाना। तो ये लेस देन जीरो है ना जी, लेस देन जीरो के केस में क्या आता है याद है ना, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होता है। देख लो ना पहले पढ़ाने का फायदा, मैं बोला था ना कि ये हमेशा आएगा, बहुत तेजी से आएगा आपके पास ये। और ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन टू से इंफिनिटी, ग्रेटर देन है, सही है। अब आप क्या कीजिए, रियल लाइन को प्लॉट कीजिए। अब ध्यान से सजाना है, वन यहां आएगा, ये वन के बाद पहले आएगा ना जी, क्योंकि ये निगेटिव देगा ना, फोर पॉइंट समथिंग, क्लियर है। तो ये इधर आ जाएगा, इसके बाद ये जो टू से ग्रेटर हो जाएगा, नहीं जी दोनों सेट का इंटरसेक्शन है कि ये सेट है और ये सेट है। तो रियल लाइन सबसे सिंपलेस्ट होता है इंटरसेक्शन निकालने के लिए, सबसे सबसे अच्छा मेथड यही है, रियल लाइन का यूज कर लीजिए इंटरवल के केस में। तो ये कह रहा है कि इधर, और यह कह रहा है कि इधर, ये सेट ए यानी इसके वन के इधर की सारी वैल्यू और टू से ग्रेटर ऑल वैल्यू यानी सारी वैल्यू। बट ये महाशय जी बोल रहे हैं कि नहीं इसके बीच में रहना। तो इंटरसेक्शन में कितने वैल्यू जा रहा है, कौन कौन से, यहां से लेकर के यहां तक दोनों का कॉमन, और यहां से लेकर के यहां तक दोनों का कॉमन। तो आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 से 1 यूनियन 3, 2 से 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2। किसी का आया था क्या ऐसा? Yes, क्या बात है, चल तो मैं अगले क्लास में इसी चीज को आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम चांस है कि मैं कोई नया फंक्शन स्टार्ट करूंगा, मॉडुलस में इतना ही था, और भी चीजें हैं मॉडुलस के साथ। ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, लीस्ट इंटीजर आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, ये सब कुछ आएगा। तो हम धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री भी आएगा, तो सब कुछ आएगा, सब में मॉडुलस लगता। लेकिन उसके पहले उसको पढ़ना जरूरी है, इसको अप्लाई करने के लिए सबको पढ़ना जरूरी है। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। चलो इसी क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लेना था।